नमस्कार, खबर भारत के विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बारिश भी इन दिनों हो गई, तो बीमारियों ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जी हाँ, ठंड के मौसम में होने वाली बारिश बीमारी का घर बन जाती है। मैं नहीं कहती, विशेषज्ञ भी मानते हैं उस पर। जब संक्रमण का दौर चल रहा हो तो बीमारी को जैसे मौका मिल जाता है लोगों को अपनी चपेट में लेने का। ये बदलता मौसम किसी को भी बीमार कर सकता है। इस चेंजिंग वेदर में सर्दी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द और फ्लू जैसी तमाम बीमारियों का शिकार लोग बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बड़ी संख्या में भी हो रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर है। ऐसे में जरूरत है बदलते मौसम में खुद को बीमारियों से बचाकर रखने की और अपना ख्याल रखने की। इसीलिए आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है अपने इस प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम लोधी। आपको बताना चाहेंगे, ये जाने माने जनरल फिजिशियन हैं, श्री साई हॉस्पिटल में ये पदस्थ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राम आपका। नमस्कार देशवासियों को, मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। और जिस तरह से हम बात करने वाले हैं, ठंड तो चल ही रही है और इस मौसम में बारिश का होना जहां किसानों को परेशानी में डाल रहा है, वहां आम आदमी भी परेशान है अपनी सेहत को लेकर। जी सर जी, देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, ठंड के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है जी। तो जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इस तरह के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को और बच्चों को होती है। जो यंगस्टर होते हैं वो तो इम्यूनिटी उनकी अच्छी होती है तो वो तो ये सब चीजें झेल लेते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं या जिनको कोई क्रॉनिक डिसीज चल रही होती है, उनको इस तरह की मौसम में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बुजुर्गों का, बच्चों का, और जो पहले से जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट हैं उनको इस चीज, इस मौसम में ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे रखूंगी, लेकिन इसके पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमें सीधा देख रहे हैं, सीधे डॉक्टर साहब की बातों को सुन भी रहे हैं। तो कॉल कीजिए, अपने सवाल रखिए, जो भी आपके मन में सवाल आते हैं। जनरल फिजिशियन है सर, और जिस तरह से मैं तो अपने सवाल रखूंगी, लेकिन आपको अपने सवाल रखने के लिए हमारा नंबर नोट करना पड़ेगा 0755। ये हमारा मतलब कि 07 अगर वो तो 0755 कोड है भोपाल का। आसपास के लोग अगर विदिशा या उसके और आसपास गंजबास होता है, इन लोगों को लगाने के लिए कोड की जरूरत पड़ेगी, तो 0755। अब नंबर नोट कीजिए 4288228। एक और नंबर है वो भी नोट कीजिए 4289075। ये दो नंबर हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और इन नंबरों पर कॉल करके डॉक्टर राम लोधी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, उनसे अपने सवाल रखने। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि बुजुर्गों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम इस सवाल को रखें कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इस दौरान अगर इस मौसम की हम बात कर रहे हैं, इस दौर की हम बात कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए? इस दौर में बुजुर्गों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उनको कुछ ऐसे खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है जी। खान पान में हमें फ्रेश वेजिटेबल और सादा खाना ही खाना चाहिए, और सबसे खास चीज होती है ठंड से बचना होता है। बच्चों को और बुजुर्गों को ठंड में, ठंड से बचने की बहुत जरूरत होती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को या जिनको ब्लड प्रेशर है वो लोग सर्दी के मौसम में ही जल्दी बीमार होते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है या फिर सीवीए हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जैसे वो रजाई में लेटे हुए हैं और जैसे एकदम उठ के कहीं बाहर गए, ठंड में गए या वॉशरूम ही यूज करना है उनको, वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर रजाई में रहते हैं तब नॉर्मल रहता है, और अचानक से जब हम ठंडे मौसम में जाते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे अक्सर मरीजों को देखा गया है कि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने से लगुआ हो जाता है, या उसको सीवीए कहें हम, दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरह के मौसम में विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज नहीं करना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो। जैसे अगर हमें बाहर जाना भी है तो पहले हमारी बॉडी को कवर कर लें, कवर करने के बाद ही बाहर जाएं। और ऐसे ही बच्चों का ध्यान रखें कि इस मौसम में बच्चे आउटडोर गेम जब खेलते हैं या खेलने जाते हैं तो उनको प्रॉपर बॉडी पार्ट पूरे कवर करें, मफलर लगा के भेजें, या ध्यान रखें कि वो गीले वीले कपड़े पहन के ना खेल रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की चीजें होती हैं। और साथ ही साथ खान पान में भी ध्यान रखें, खान पान में हम ऐसी चीजें खाएं जिनसे कि गला खराब ना हो, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, और थोड़ा सा गुनगुना ही पानी दें बच्चों को या बुजुर्गों को, और फ्रेश वेजिटेबल पे और फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है और हम जल्दी से रोगों की चपेट में नहीं आ पाते हैं।
बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इस वक्त आपने बच्चों की जो बात की, तो बच्चों आपने गौर से सुना ना कि किस तरह से अगर आपको बाहर निकलना है तो पूरी तरह से पैक होकर जाना है, सारी जिम्मेदारी मम्मी पापा पर नहीं डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो आपको ज़रूरी सलाह दी है उनका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बुज़ुर्गों के मद्देनज़र कि अगर पुरानी बीमारियों का निदान अगर चाहिए हो तो इस सवाल का हम जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायसेन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर और उनका नाम है प्रदीप मेहरा। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी आप तक हमारी आवाज पहुंची? मुझे ऐसा लगता है कि संपर्क टूट गया है। जब तक वो दोबारा हमें कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब मैं पुरानी बीमारियों के निदान की बात आपसे कर रही थी। जी पुरानी बीमारियों में चलिए अब अपना सब। अरे वाह, हमारे साथ लगता है प्रदीप जी दोबारा जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी तो? हाँ प्रदीप जी, आवाज पहुंची आप तक? हाँ जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रदीप मेहरा बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। डॉक्टर राम भी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल रखिए। जी मैडम, ये डॉक्टर राम जी है, डॉक्टर राम लोधी जी, इनसे पहले भी हम ट्रीटमेंट करा चुके हैं। जानकारी मिली सर ऑनलाइन है सामने का, कुछ सवाल पूछने सर से। जी बताइए, स्वागत है आपका स्टूडियो में, बताइए आपका क्या सवाल है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो बहुत ज्यादा तेजी से ठंड पड़ रही है, जो ठंड का बहुत शीतल भरा मौसम है, तो इसमें कई लोगों के सवाल ये आते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको इससे कैसे बचाव करना चाहिए और उनको इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं इस मौसम में। देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इस मौसम में जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत यह है कि एक तो अपना ब्लड प्रेशर बराबर चेक कराते रहें, या अक्सर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के घर में ब्लड प्रेशर की मशीन होती है वो चेक कर ही लेते हैं और बराबर मेडिसिन लेते रहें। और सबसे जरूरी बात ये होती है ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए कि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर सडन चेंज नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट बताते हैं कि सो रहे थे और वॉशरूम गए और वहाँ इनको चक्कर आ गया, सीने में दर्द हो गया या सीवी हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि सडन बॉडी टेम्परेचर जब चेंज होता है तो बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर सडन शूट अप हो जाता है, जिस वजह से ये कठिनाई आती है कि हार्ट अटैक हो जाता है या दिमाग में खून का क्लॉट हो जाता है जिससे लकवा हो जाता है। तो ज्यादा जरूरी ये है कि इस मौसम में ध्यान ये रखें कि बॉडी पार्ट को कवर करके रखें, ज्यादा ठंडे मौसम में ना जाएं और ठंडे पानी से ना नहाएं। जब भी नहाना है तो गुनगुने पानी से ही नहाएं और प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन लें, जो भी मेडिकेशन उनकी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज खाली दवाई और एक दिन हमने छोड़ के खाई, और साथ ही साथ बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। साथ ही साथ दो तीन चीजों की और जरूरत है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, संतुलित आहार लें और प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रदीप जी मिल गया आपको आपके सवालों का जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। तो दो चीजें डॉक्टर साहब आपने हाईलाइट की जो मैंने भी नोट डाउन किया, एक आपने कहा मेडिकेशन और दूसरा एक और शब्द आपने यूज किया मेडिटेशन। ये वाकई दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मेडिकेशन और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन। तो ये दोनों चमत्कारिक शब्द हैं। एक और चीज मैंने नोट की, आपने जिस तरह से बताया कि टेम्परेचर जो है तापमान को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर से जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं तो ठंडे अगर फ्लोर पर रख देते हैं तो भी शायद ये गलत है। हाँ ऐसा है कि एकदम फ्लोर पे भी रखना भी गलत है। कोशिश ये करें कि जब भी बिस्तर से उठ के कहीं जाना है तो पहले उस पे बिस्तर पे बैठें, थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट होने दें, टेम्परेचर के लिए ढल जाने दें, फिर कोशिश करें कि हम स्लीपर या जो भी है वो पहन के जाएं, मोजे वोजे पहन के जाएं, क्योंकि ये सब जरूरी यंगस्टर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ओल्ड एज है या जिनको ब्लड प्रेशर है उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। जी अब मैं अपने सवाल का जवाब भी आपसे ले लेती हूँ। मैंने पूछा था आपसे कि पुरानी बीमारियों का कैसे हम निदान मिल सकता है। देखिए पुरानी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, इनको हम एकदम से बीमारी समझ के मरीज को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो उसके दिमाग में एक पिक्चर रहती है कि मेरे को तो बीमार रहता हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया या मेरे को शुगर हो गई है। तो ये एक बॉडी की कंडीशन है। आपको ये समझाना है उनको या ये समझना है जिसको भी ये चीज है कि ये मेरी बॉडी के साथ ही रहेगी लाइफ टाइम, ये कभी ठीक होने वाली चीज नहीं है। लेकिन
प्रॉपर मेडिकेशन कर लेते रहेंगे, टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, तो लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हमने उसको बोझ समझ लिया या बीमारी समझ ली तो ये परेशानी हो जाती है फिर। तो कभी ये ना सोचे कि मेरे को डायबिटीज है और मेरे को कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि जो उसकी दवा दे दे या कोई आयुर्वेदिक दवा दे दे, इससे मेरी डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मुझे मेडिकेशन नहीं लेना पड़ेगा। या ब्लड प्रेशर का ऐसा कोई पुराने ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो सोचे कि मेरे को कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे मेरे को दवा ना खाने पड़े और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेना जरूरी है। बिल्कुल सही। एक और चीज होती है लोगों में, क्या होता है जब किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो ट्रीटमेंट को बीच में रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 6 दिन की दवाई दी है डॉक्टर साहब ने तो 3 दिन में आराम लग जाए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है आप सहमत होंगे मेरे इस सवाल से। और 3 दिन में उनको लगता है कि उनकी बीमारी गायब हो जाए, जबकि डोज डॉक्टर साहब ने 6 दिन का दिया है। तो उस कोर्स को पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी महत्व जरूर आप बताइए। देखिए, जब कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को कुछ मेडिकेशन देता है, जो भी दवाई उनको लिखी जाती है, अक्सर मैंने देखा है या तो वो दवाई आधी खाएंगे, 7 दिन का या 6 दिन का कोर्स दिया है, 3 दिन ही खा के उनको आराम लगा तो बंद कर देते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि डॉक्टर को ना दिखाना पड़े, वही पर्चे से दवाई बार बार खाते रहते हैं। सही बात जो है। एक बार डॉक्टर उनको जो एंटीबायोटिक या उस समय जो कंडीशन थी बॉडी की, उस हिसाब से जो मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने, उसको उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो डॉक्टर ने लिखा था उतना पूरा करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे कोई सिंपल उसको इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने 7 दिन का एंटीबायोटिक लिखा, उन्होंने 3 दिन खाए, थोड़ा रिलीफ हो गया, फिर वो बंद कर दी। अब वो इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हुआ और उसने फिर से उस हावी हो गया शरीर पे, जिससे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन उस मेडिसिन से भी रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गया, जिससे कि अब नेक्स्ट टाइम जब उसको मेडिसिन दी जाएंगी तो वो दवाई से वो ठीक होने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए जो डॉक्टर ने जितने दिन की दवा लिखी है वो ही लेना चाहिए। और अक्सर लोग कई बार ये करते हैं कि 1 हफ्ते का पर्चा बनवाया, उससे महीनों दवाई खाते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जो दवाई की जरूरत है वो कंडीशन के हिसाब से उसी समय के लिए होता है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि एक पर्चा ले लिया तो उसको, जब भी आप उसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, मान लीजिए सामान्य बुखार की अगर हम बात करें या सर्दी जुकाम की बात करें, तो आपने फिर उस पर्चे को ले जाकर मेडिकल शॉप पर दवाई खरीद ली और फिर उसको 3 दिन तक वो डोज को ले लिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हम याद दिला दें दर्शकों को कि 0755-4288228, यानी कि 0755-4288228 या फिर 4289075, जल्दी कॉल कीजिए और सवाल रखिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने महामारी के दौर की अगर हम बात करना चाहें, और इस वक्त जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, बीच बीच में हमें खबरें, खबर भारत लगातार बता रहा है दर्शकों को कि किस तरह से वैक्सीनेशन, जब ये जो इस अभियान में जब शामिल हो रहे हैं बच्चे, वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें या तो चक्कर आने की परेशानी आ रही है, भूख कम लगने की परेशानी आ रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो वैक्सीनेशन बच्चों को हो रहा है या बुजुर्गों को हुआ है या जिसको भी वैक्सीनेशन हुआ है, उसके एकदम ऐसे सिम्टम तो नहीं कह सकते कि चक्कर आ रहे हैं या भूख कम लग रही है। उसका जो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत फीवर या बॉडी एक ही होता है, ठीक है। दूसरा, जैसे चक्कर आना, कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, ये कभी कभी साइकोलॉजिकल भी होता है, मुझे वैक्सीन लगा है, मुझे हो सकता है घबराहट हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कभी कभी साइकोलॉजिकल होने की वजह से भी ऐसा होता है। और कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया कि चक्कर आ गया या कुछ हो गया, तो वो उसका सीधा साधा रिलेशन साइकोलॉजी से है, जबकि वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट अगर होते हैं थोड़े बहुत भी माइनर से साइड इफेक्ट, उसमें बस फीवर आना या लोकल एरिया में जहां वैक्सीन लगा है वहां पेन होना, यही है और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये वाली जो मेरा निवेदन है, ये वाला, ये माता पिता के लिए है कि अगर इस तरह की भ्रांति आपने पाल रखी है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को चक्कर आ रहे हैं या भूख नहीं लग रही है, तो डॉक्टर साहब ने अभी आपका जो फंडा है ना वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बारिश में अक्सर देखने को, जैसे अभी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे भोपाल की अगर हम बात करें, बहुत कम मिल रही है सूर्य की किरणें, तो जब विटामिन डी ना मिल रहा हो ठंड में खासतौर से, या बारिश के समय की खासतौर से हम बात करना चाहें इस समय की, तो विटामिन डी का विकल्प क्या हो सकता है? विटामिन डी सबसे ज्यादा मतलब मेन सोर्स जो होता है वो धूप में ही होता है, करेक्ट। लेकिन इस टाइम पे विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि धूप कम मिल पाती है, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प जो है वो मिल्क होता है, फ्रेश काउ मिल्क या बफेलो में जो मिल्क होता है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको एग भी ले सकते हैं। और विटामिन डी का बच्चों के लिए
सायरप भी आते हैं तो वो भी अपन दे सकते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, परिवार के हर सदस्य, हर उम्र वर्ग के, हम ये सवाल रखूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि हमारी टीम ने अभी जानकारी दी है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा। फिर मैं अपना सवाल आपसे रखूंगी। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार मैडम। नमस्ते पुष्पेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है डॉक्टर राम के लिए। मैडम मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जब मैं ये सर्दी के मौसम में जो है कपकपी टाइप की होती है, घबराहट टाइप की होती है जी, और ऐसा लगता है मतलब कि इस टाइप से जैसे अटैक टाइप से लगता है ना, उस टाइप से कपकपी होती है। पुष्पेंद्र जी आपकी एज बताएंगे, और आपको कोई पुरानी बीमारी या कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं है ब्लड प्रेशर या शुगर की आप बीमारी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उम्र लगभग 29 साल है और मैंने जब से वैक्सीनेशन करवाया ना तब से ये सब मतलब हो रहा है। अच्छा, सर्दी के मौसम में जैसे आपको कपकपी लग रही है, या वैक्सीनेशन से तो ऐसा उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से कपकपी हो सकती है, या हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मौसमी बुखार की वजह से आपको बॉडी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, उस वजह से कपकपी के लक्षण आ रहे हो। इसके लिए एक बार आप बॉडी टेम्परेचर चेक करवा सकते हैं और एक सिंपल से जो टेस्ट होते हैं। मैंने ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक कराया है, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला कि आप कुछ बातें सोचते हैं इस चैप्टर में, ये सब होता है, बाकी मानसिक रिपोर्ट में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। तो उसका एक ये कारण भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वैक्सीनेशन के बाद साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इस वजह से अंदर जो डर बना रहता है उस डर की वजह से भी कभी कभी लोगों को कपकपी और ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ या बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बढ़िया स्वस्थ रहिए, और सादा खाना, फ्रेश फ्रूट और थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, और पूरी 8 घंटे की नींद लीजिए, आप बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। और दिमाग से पुष्पेंद्र जी बात हटा दीजिए, कोई डर वर नहीं है वैक्सीन के लगाने के बाद, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम। अब हम बात करते हैं मेरे सवाल की, मौसम के साथ अपना खान पान बदलना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि जो मान लीजिए मुझे बनाना सूट नहीं करता था और मैं ठंड में अगर बनाना खाना चाहती हूँ, केले की बात अगर हम कर रहे हैं, और अगर उससे मुझे सर्दी हो जाती है, तो एक तो ये क्लियर कीजिए क्या वाकई कुछ फल ऐसे होते हैं जो रात में खाने से उनका प्रभाव अलग तरह से दिखाई देता है स्वास्थ्य में? हाँ, कुछ फल होते हैं जैसे सिट्रस फूड या कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि केले से, हर पेशेंट के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग तासीर होती है सबकी। लेकिन जो फ्रूट होते हैं, अक्सर धारणा बनी हुई है कि हम केला खा लेंगे या कोई सिट्रस फूड खा लेंगे उससे हमें सर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी स्पेशल केस में ऐसा रहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे को या उस इंसान को उस फ्रूट से थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, इसलिए उसको छींकें और या सर्दी हो जाती है, तो उस फ्रूट से दूर रहें। बाकी ताजे फ्रूट्स खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, और खान पान का ध्यान क्या आपने जो बताया मेरे को, हर मौसम में खान पान का एक अलग वो होता है, चार्ट होता है। सबसे अच्छी बात यह कि सिंपल सा फंडा है कि जैसे जिस मौसम में जो मौसमी फल हैं या मौसमी सब्जियां हैं वो उसी मौसम में खाएं तो ज्यादा अच्छा है। स्टोर किए हुए फल नहीं खाएं, जैसे अभी आप देखा है बहुत सारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल बहुत सारी मिलती हैं, और जो भी इस मौसम में जो भी सब्जियां हैं, जो भी फ्रूट हैं, वो सब भरपूर खाएं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गर्मी के मौसम में जो फ्रूट्स आएंगे या गर्मी के मौसम में उस समय जो सब्जियां होंगी उस समय उनका सेवन करना चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मतलब मौसम के अनुसार अगर आपका खान पान का चार्ट बन जाता है तो आधे स्वस्थ तो आप वैसे ही हो जाएंगे, और बीच बीच में डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए ताकि बीमारी बढ़ ना पाए ना सर। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा दिखा है कि प्राथमिक उपचार जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर आपको लग रहा है कि बीपी बढ़, क्योंकि अभी तक ये एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब मेरा कि मान लीजिए किसी को अभी तक बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे पता ही नहीं चल रहा कि अब उसको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, इसके लक्षण कैसे पता करें हम? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको भी बीपी होता है ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके माता पिता से ही संतानों में ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी आती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई रिस्क लोग होते हैं जिनके घर में मदर को या फादर को बीपी है, तो उनको 30 एज के बाद प्रॉपर चेक कराते रहना चाहिए। अक्सर लोग कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है और चेकअप कराते ही नहीं है। एक सिंपल सी बात है, हमारी गाड़ी है और हम बगैर कुछ उसकी खराबी के
शोरूम ले जाते हैं और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस और चेकअप कराते हैं, वो अच्छी चल रही है उसके बाद भी, लेकिन हमारा जो शरीर है उसके लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, एक बार हमारा रूटीन चेकअप कर लीजिए, ऐसा कोई कभी नहीं जाता। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध ये है कि चाहे आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन 30 साल के बाद एक बार हमारे सारे रूटीन चेकअप हमें कराना चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर समझेगा कि आपके कौन कौन से टेस्ट होना चाहिए, हाँ। वो टेस्ट होंगे और आप उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे कि हम ठीक हैं। साल में एक बार डॉक्टर को बिगर किसी बीमारी के भी चेकअप कराते रहना चाहिए। और रही बात बीपी बढ़ने के जो सिम्टम होते हैं, हाँ। या बीपी हमें हो रहा है क्या, इसके लिए जो सबसे पहले हमें लक्षण दिखते हैं वो ये है कि हमें थोड़ा सा चलने के बाद थक जाना, सिर में दर्द होना, सीने में भारीपन होना, हाँ, या कोई भी थोड़ा सा एक्सर्शन के बाद पसीना आ जाना, ये बड़े हुए बीपी की निशानी होती है। ओके, तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो देर नहीं करना है, देर नहीं करना है, बीपी आपको चेक कराना है। और एक और बात, इसी के दर्शकों आपके साथ मुझे भी फायदा मिल जाता है, हमें भी नोट डाउन करने का मौका मिल जाता है कि 30 साल के बाद एक चेकअप साल में एक बार का बनता है, ताकि हमें हमारी जो अंदरूनी जो अगर बीमारी कोई होने वाली है उसकी स्थिति का पता चल जाता है, उस आकलन के लिए ये परीक्षण कराना बहुत जरूरी है ना सर। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, कॉल कीजिए जल्दी, बहुत कम समय बचा है, 0755-4288-228 यानी 0755 भोपाल का कोड 4288-228-4289-075। डॉक्टर राम लोधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल फिजिशियन हैं और 12 सालों से भी ज़्यादा समय से सर इस क्षेत्र में हैं। सर आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे, लोगों की बीमारी की जो असली जड़ है, एक तो उनका शरीर है, ऑब्वियसली बीमार होता है शरीर तो दिमाग खराब हो ही जाता है, लेकिन कुछ इंसान अपनी बीमारी को खुद आमंत्रित करते हैं, ये अनुभव आपको हुए होंगे कि किस तरह के लोग सवाल रखते हैं आपके सामने? देखिए, जो बीमारी की असली जड़ है वो सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है युवाओं में भी देखा गया है, और सभी ज्यादातर शहरी क्षेत्र में हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। मतलब हम वर्क नहीं करना चाहते, पूरा काम हमारे गैजेट्स करते हैं, या कार या चलना भी नहीं है, हाँ। जो हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता है तो हमारा शरीर जो है, हाँ। बीमारियों का घर बन जाता है, मोटापा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले तो खान पान एक बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। बाहर खाना है आपको, जंक फूड खाते हैं, टेस्ट मुंह में लग गया है बाहर का खाने का, इस वजह से आपको शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए थे। सबसे पहले खान पान पे ध्यान देना चाहिए, हाँ। और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको फिजिकल आप वर्क नहीं है आपका, हाँ। तो आपको डेली रूटीन में हफ्ते में 5 दिन में 7 दिन में से 5 दिन तो आपको व्यायाम करना ही चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और तीसरी, हाँ। चीज जो बीमारियों को बुलाने का सबसे बड़ा कारण है वो बैड हैबिट्स हैं आपकी। जैसे कई युवाओं में आजकल देखा गया है कि जो स्मोकिंग या ड्रिंक अल्कोहल लेना, ये सब बीमारियों को बढ़ावा देना होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो महामारी का दौर चल रहा है, तो कोशिश करें कि खान पान पे भी ध्यान दें और हमारी सारी बैड हैबिट्स जो हैं उनको छोड़ दें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे और हम लोगों से फाइट कर सकें, लड़ सकें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बुरी आदतें जो है ना, बैड हैबिट्स जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जंक फूड, दरअसल इसकी आदत हटा ही देनी चाहिए। और इस कोरोना काल ने बहुत अच्छी आदतें डाल दी हैं बहुत सारे लोगों को। डॉक्टर साहब आप भी इस बात के, शायद आपके पास भी ऐसे अनुभव आए होंगे, लोग आपके साथ शेयर करते होंगे कि डॉक्टर साहब अब मैं ये नहीं खाता, या अब मैंने ये खाना शुरू कर दिया है, मैं पहले चुकंदर नहीं खाता था, अब मैंने चुकंदर खाना शुरू कर दिया है, या पहले मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता था, लेकिन इस कोरोना के डर ने 5 बजे सुबह उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो अच्छी आदतें अच्छा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। डॉक्टर साहब, ठंड का समय है, कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना ठंड के समय में, चूंकि शीतलहर चलती है और कोहरा वगैरह भी होता है, तो ये समय अगर वॉक करने जाएंगे तो ठंड बैठ जाएगी और लकवे जैसी परेशानी आ सकती है, तो उनकी ये भ्रांति सही है, मतलब उनका ये कहना सही है या भ्रांति है ये? हाँ, देखिए, जो लोग ऑलरेडी ज्यादा बुजुर्ग हैं या जो हाई रिस्क पेशेंट जिनको बोलते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उनको एकदम से जल्दी उठ के ठंड में बाहर
टहलने के लिए तो मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि या तो थोड़ा सा वेट कर लें या फिर बॉडी को कवर करके फिर आप टहलने जाएं। यंग जो है, जो युवा हैं या उनको कोई बीमारी नहीं है, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती उनको, लेकिन उनको भी ध्यान ये रखना है कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि बॉडी टेम्परेचर सडन चेंज होना ठीक नहीं है, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो। बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ठंड है तो आप आराम से सोते रहें और व्यायाम ही ना करें। आपको अगर ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर ज्यादा कोहरा है, ठंड है, तो घर के अंदर भी आप जो थोड़ा बहुत योगा, प्राणायाम या व्यायाम, जो भी मेडिटेशन कर सकते हैं वो करें। और जब आपको लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो गया है या बाहर धूप थोड़ी सी दिख रही है, तो बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सडन बॉडी टेम्परेचर का जो चेंज होता है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं अपनी छींक का कारण भी बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, एसी अगर तेज चल रहा होता है तो वो छींक जो होती है, ठंड जिनको सूट नहीं करती, जिनकी तासीर ठंडी होती है, क्या उनको इस तरह की छींके आना लगातार, जैसे कि मैं अपने एक सवाल मैं अपना भी रख लेती हूँ व्यक्तिगत, तो क्या ये किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जा रही उम्र के साथ? नहीं, देखिए छींक जो होती है एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारी जो नेजल कैविटी होती है या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, वहां अगर कोई चीज ऐसी पहुंचती है कि वो उसको हानिकारक लग रही है, वहां की मेम्ब्रेन या वहां जो थोड़ा बहुत हमारी बॉडी रिएक्शन करके वहां उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उससे हम छींक के उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बॉडी, ये ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई चीज अंदर जाएगी और वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उसको छींक के बाहर निकाल देते हैं। ये जो छींकें किसी को ठंडी हवा से या पॉल्यूशन से या डस्ट से जो ज्यादा आती हैं, वो एलर्जी की वजह से आती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब बीमारी मेरे को आने वाली इससे छींक आ रही है। वो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जी बिल्कुल, ये मेरा फंडा तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन ये इसी छींक ने बहुत सारे लोगों के बीच में बवाल खड़ा किया था। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कोरोना काल में अगर कोई एक से ज्यादा बार छींक देता है तो मास्क लगाना वैसे भी जरूरी है, मैं भी मास्क लगाती हूँ, हम सब मास्क को, हमें मास्क को लगाना ही पड़ेगा, यही सुरक्षा हमारी हो सकती है, और हम सुरक्षित रहेंगे तो ही दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। तो जिस तरह से छींक अगर लगातार 3-4 बार आ रही है, कोरोना के जिन लक्षणों की मैं बात करना चाह रही हूँ, उसका इन गिनतियों से क्या ताल्लुक है? नहीं, छींक की गिनतियों से कोरोना का नहीं ताल्लुक। आपको सिंपल अगर सर्दी भी है या सिंपल आपको फ्लू हो रहा है, वायरल ये जो मौसमी फ्लू हो रहा है, उसमें भी आपको छींकें आ सकती हैं, सिंपल एलर्जी में भी छींकें आ सकती हैं, और कोरोना में भी आ सकती हैं। तो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि छींक आ रही है तो कोरोना ही होना है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सब लोगों को अपना रेस्पिरेटरी एटीट्यूड जो होता है, एटिकेट जो होते हैं, रेस्पिरेटरी एटिकेट, उनको आप ही ध्यान रखना चाहिए। पहले जब हम छींकते थे तो हाथ में छींकते थे, वो अब चेंज करके बताया गया है कि आपको कोहनी पे छींकना है हमेशा। छींक आ रही है तो कोहनी पे छींकना है, ठीक है, और किसी से भी मिलना है तो हैंडशेक ना करके उनको नमस्ते करना है। हमारे भारत की पुरानी परंपरा है, और बार बार हैंड वॉश और सैनिटाइज और प्रॉपर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 4-5 चीजों पर ध्यान रखेंगे तो जरूरी नहीं कि ये कोरोना से ही बचाव करेंगी हमारा। ये इसके, कोरोना के अलावा भी दूसरी जो बीमारियां होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती हैं या दूसरी भी बीमारियां होती हैं, उनसे भी हम सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब ने जो अभी जरूरी जो सलाह दी है उसको जरूर उस ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम छींकते हैं, हमारे तौर तरीके ही हमें आधा बीमार बनाते हैं, तो उन तौर तरीकों को सही करने की जरूरत है फिलहाल। तो सर, समय यही इजाजत दे रहा है, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले बता देते हैं हम दर्शकों को, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राम लोधी, जनरल फिजिशियन है और श्री साई हॉस्पिटल में पदस्थ है। तो इसी के साथ दर्शकों की तरफ से उनको धन्यवाद करने के साथ ही जाने से पहले आपको जरूर बता देती हूँ, अगर वैक्सीन नहीं हुआ है तो प्लीज जाइए वैक्सीन लगवाइए, दोनों डोज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि याद रखिए 2 डोज पूर्ण तो ही सुरक्षा संपूर्ण। नमस्कार।